राधे राधे, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी आप लोग की दुआ से अच्छी हूँ। तो दोस्तों, आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। आज का ब्लॉग जो है सुबह से स्टार्ट हो रहा है, तो इस टाइम जो है 9:30 बज रहे हैं। हमारा खाना पीना बन चुका है, सारे लोग खा लिए हैं और उसके बाद हम मम्मी लग जाते हैं नए कामों में। यानी धान को ओसाने के लिए। पिछले व्लॉग में दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि हम दीदी सारे लोग मिलकर जो है धान की कटाई पिटाई कर रहे थे। एक हफ्ते तो उसी में लग गया था और उसके बाद जो है ये काम भी जो है शुरू हो गया है। मम्मी जो है 2 दिन पहले ही बोल रही थी कि ओसा दो, लेकिन दोस्तों टाइम ना मिल पाने की वजह से जो है नहीं कर पा रहे थे। तो आज मम्मी जो है सब कुछ लेकर आ गई थी, तो फिर देर किस बात की करते हैं, चलिए मम्मी के कामों में हाथ बटाते हैं। और दोस्तों आप लोगों को पता है ये सारे काम जो है हमसे नहीं होते, लेकिन क्या करें, धीरे धीरे करते करते हम लोग भी जो है सीख गए। पहले मम्मी अकेले ही सारा काम कर लेती थी, लेकिन दोस्तों जब से मम्मी की कमर में दर्द रहता है वह ज़्यादा काम बैठे बैठे नहीं कर पाती हैं। और इस काम में तो जो है बार बार उठना है और बार बार बैठना है, इसलिए मुझसे जितना और सकम है उतना कर रही हूँ। और इधर बीच बीच में बाबू भी आकर जो है सबको परेशान कर रहा है, लेकिन अच्छा भी लगता है जब छोटे बच्चे घर में रहते हैं, इधर से उधर दौड़ते रहते हैं। बाबू जो है मना करने पर जल्दी मान भी नहीं रहा था, तो मम्मी बोली जाने दो ना, छोटा बच्चा है। तो बाबू को जो है पापा बहकाते हैं और इधर हम मम्मी पूरे लगन से कामों में लगे हुए। 1-1 घंटे बाद जो है हमारा काम हो जाता है और फिर दीदी लेकर आ जाती हैं अपने कपड़े पीछने के लिए। आप लोग जानते हैं ना, दीदी नहाने से पहले ये सारे काम निपटा लेती हैं, तभी जो है नहाती आती हैं। तो इसमें जो है मम्मी के कपड़े बाबू के और पापा के, क्योंकि जब से मेरे हाथों में दर्द रहता है तब से दोस्तों मैं कपड़े नहीं फींचती हूँ, सारे कपड़े जो है दीदी फींचती हैं। तो इधर दीदी कपड़े फींचने में लगी हुई और हम मम्मी जो है धान को इकट्ठा करने में लगी हुई। और इस धान को दोस्तों अब जो है ऐसे ही नहीं रखा जाएगा, अब तो इसे जो 1-1 हफ्ते तक धूप में सुखाया जाएगा। जब धूप में सूख जाएगा तब जो है इसे कुटाया जाता है। बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है सच में। चावल खाना महंग पड़ जाता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। पहले तो जो है बीए को डालो, उसके बाद जो है संडा गाड़ो, फिर जो है धान की रुपाई करो, कटाई करो, पिटाई करो, फिर जो है ये सारे काम जो है करने के बाद जो है तब जाकर आपको जो है चावल नसीब होता है। इससे अच्छा है कि गेहूँ ही मतलब वो हो और वही जो है खाओ। लेकिन एक बात है दोस्तों, चावल के बिना जो है पेड़ भी नहीं भरता है। चावल खाना है तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो बस सारा काम हमारा हो गया था। उसके बाद पापा मम्मी यहाँ पर गैया के लिए चारा बाल देते हैं, उधर वह लोग डाल रहे थोड़ा बहुत चारा था, तो प्रीति जो इन सबको डाल दिए और उसके बाद लग गई है बर्तन धुलने के लिए, क्योंकि उसका डेली का काम रहता है दोपहर में बर्तन धुलना। उसके बाद दोस्तों मिलते हैं आप लोग से शाम के समय। तो इस टाइम जो है 6:30 बज रहे, तो हम लोग आ गए हैं खाना बनाने के लिए। चाय हमारा बन गया है, सारे लोग पी चुके हैं और उसके बाद चलती हूँ मैं सब्जी कट करने के लिए। तो आज हमारे घर जो है आलू गोभी की सब्जी बनेगी और साथ में चावल रोटी बनेगा। तो यहाँ मैं जो है सब्जी को कट कर रही हूँ और सब्जी जो है आज मैं नहीं, दीदी बनाएंगी, क्योंकि दीदी बहुत ही अच्छा बनाती हैं। तो सब्जी धुल कर मैं दे रही हूँ और दीदी यहाँ पे आ गई हैं छौका लगाने के लिए। एक साइड जो है कढ़ाई रख दी, कढ़ाई में तेल डाल दी, तेल हमारा गर्म हो गया, लहसुन मिर्चा कूट लेती हैं और उसके बाद चलती छौका लगाने के लिए। तो सबसे पहले गोभी को फ्राई करते हैं और गोभी हमारा फ्राई हो जाएगा तो फिर आलू को फ्राई करेंगी। ऐसे दोस्तों जब सब्जी बनाया जाता है तो सब्जी जो है बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक बस जो है दीदी इसमें डाल चुकी आलू और ये भुना जाएगा, तो फिर जो है दोबारा से इसमें आलू फ्राई करेंगी। क्योंकि हमारी फैमिली थोड़ी सी बड़ी है तो सारी चीज जो है थोड़ा ज्यादा ज्यादा रहेगा, तभी जो है सबको एडजस्ट होगा। तो उधर आलू फ्राई हो रहा है तब तक दीदी जो है प्याज को कट कर लेती है।
इधर देखिए तब तक हमारा आलू भी फ्राई हो जाता है। तो दीदी जो इसे प्लेट में निकाल देती हैं और उसके बाद जो है अब दोबारा से आलू डालेंगी, क्योंकि एक बार और आलू रह गया है तो उसे भी जो है फ्राई करना है। तो यहाँ पे जो है तुरंत इसे भी फ्राई कर देती हैं और ये फ्राई हो जाएगा तो फिर जो है छौंका लगाएंगी। और हाँ दोस्तों, आप लोग जो है ब्लॉग में एंड तक जरूर बने रहिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि आज की सब्जी कैसे बनने वाली है। आज की सब्जी सच में बहुत ही टेस्टी बनने वाली, इसलिए मैं आप लोग को पहले ही बता रही हूँ। तो ब्लॉग को छोड़कर मत जाइएगा। और हाँ दोस्तों, जो लोग भी हमारे चैनल पे नए होंगे और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। दीदी जो है सब्जी भून रही हैं और मैं यहाँ पे जो है कुकर में चावल बैठा देती हूँ। और आज दोस्तों जो है ज्यादा खाना नहीं बनेगा, क्योंकि दिन का सारा खाना बचा हुआ है। तो मम्मी बोली उसी हिसाब से बनाना जितना जो है खाना है। तो मैं जो है थोड़ा सा चावल बनाती हूँ और उसके बाद दीदी बोली कि मम्मी और भैया के लिए, पापा के लिए जो है थोड़ा सा आटा भी गूंथ दो। तो यहाँ पे मैं जो है आटा गूंथ रही हूँ और दीदी चली गई है मसाला पीसने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ गाँव में जो है सारे लोग सिलबट्टे पे मसाला पीसते। मैं दोस्तों आप लोग को दिखा रही, लेकिन हमारे जो है आंगन में बहुत ज्यादा अंधेरा है, इसलिए आप लोग ज्यादा कुछ नहीं दिखा पाती हूँ। तो बस मेरा आटा गुथा गया और इधर दीदी का सारा सब्जी भुना गया था, तो इसमें मसाले ऐड कर देती हूँ और 10 मिनट बाद जो मसाले पक जाते हैं, आप लोग देख सकते हैं उसके ऊपर जो है तेल आ गया है। जब ऊपर तेल आ जाता है तो मान लीजिए आपके मसाले जो है अच्छे से पक गए हैं। और उसके ऊपर से जो है आलू फ्राई किया हुआ और गोभी जो है फ्राई किया हुआ दीदी इसमें ऐड कर देती हैं और इसे अच्छे तरह से चला देती हैं और फिर इसे जो है ढक देती हैं। अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा सब्जी बनने के लिए, क्योंकि सब कुछ जो है फ्राई हो चुका है। 5 से 10 मिनट बाद जो है हमारी सब्जी बनकर रेडी हो जाएगी, तो फिर मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो एक साइड हमारी सब्जी बन रही है, दूसरी साइड दीदी आ जाती है रोटियां बनाने के लिए। और आज रोटी देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ, क्योंकि दीदी के हाथों की रोटी सारी जो है फूलती हुई जा रही है। और जब मैं बनाती हूँ तो एक भी रोटी जल्दी फूलती नहीं है। और सच में दोस्तों मेरे साथ ऐसा ही होता है, और जब वीडियो बनता है तो अक्सर करके ऐसा होता है कि मेरी रोटी जो है फूलती नहीं है। मुझे जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, फिर भी मैं जो है ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ, क्योंकि उसके बाद जो है जब वीडियो बनना बंद हो जाता है तो फिर मेरी रोटी फूलने लगती है। तो बस यहाँ पर दीदी जल्दी जल्दी सारी रोटियाँ बना देती और थोड़ी देर बाद जो हमारी टेस्टी टेस्टी सब्जी बनकर रेडी हो जाती है। आप लोग भी देख सकते हैं और कैसा बनाया सब्जी कमेंट में जरूर बताएगा। चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोग के लिए प्लेट लगा रही हूँ, तो आइए आप लोग भी भोजन कीजिए और बताइए कि कैसा बना है। और इस ब्लॉग को अब करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, राधे राधे। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। मैं उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा। अगर दोस्तों अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।